तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, द इमेज ऑब्टेन बाय मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो व्हाट टाइप ऑफ अ मिरर हैज बीन यूज्ड। यानी कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि एकदम सीधी बनती है, ठीक है, और सेम साइज की बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज भी हमारी इतनी ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो यानी कि ऐसा कौन सा मिरर है। तो तीन तरह के मिरर होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा इसमें प्लेन मिरर, फिर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, फिर होता है हमारा कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। ये तीन टाइप के मिरर होते हैं हमारे। तो इनमें से प्लेन मिरर एक इकलौता ऐसा मिरर है जिसमें हमारी इमेज हमेशा सीधी बनती है और सेम साइज की बनती है, ये ध्यान रखना बस। कॉनकेव में हमारे तीन सिक्स हमारे वो होते हैं कंडीशन ऑब्जेक्ट रखने की, और कॉनवेक्स में हमारे दो ही बनती है इमेज, देख, और प्लेन में हमारी एक ही बनती है और हमेशा बनती है, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, प्लेन में हमारी हमेशा सीधी और सेम साइज की इमेज बनती है। जो हम घर में यूज़ करते हैं प्लेन मिरर, वही प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी इमेज कैसे बनता है उसकी बात करें तो एक लेट मी शो यू। तो सपोज ये हमारा एक प्लेन है और प्लेन मिरर है, ठीक है। ड्रॉ करने का कुछ ऐसा तरीका होता है, पीछे डैश डैश लाइन बनाते हैं ऐसी कुछ, जिससे कि ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड हो जाता है। अगर सपोज यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा नीचे रखता हूँ, यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो इंसिडेंट रे है पहले यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, इस पे रिफ्लेक्ट होगी और सेम एंगल बनाते हुए इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये होता है बेसिकली हमारा इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल लाइन है और यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये अपीयर होगी कि ये लाइन इधर की तरफ जा रही है कहीं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस से बनती है इमेज, हमें याद रखना। अभी थोड़ा मैंने रफ बनाया है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, और जो रेज सीधी जाएगी वो सीधी आ जाएगी, ठीक है, जो रेज सीधी जाएगी वो सीधी आ जाएगी। अगर ऐसे जाएगी, अगर कोई रेज ऐसे जाती है, ठीक है, तो ये वापस वैसे ही आ जाएगी, और अगर कोई रेज ऐसे जाती है इस तरफ रिफ्लेक्ट होती है तो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये पीछे की तरफ अपीयर होगी और हमारी जो इमेज होगी कुछ इस तरफ फॉर्म होगी और पीछे एक सेम साइज का एक हमारा इमेज बन जाएगी सेम डिस्टेंस पे। जो डिस्टेंस होगी इमेज की और क्या नाम है ऑब्जेक्ट की, वो एग्जैक्ट सेम रहेगी। अगर ये डी है, सॉरी, अगर ये डी हमारा डी है और ये डी डैश है, तो हमारा डी इज इक्वल टू होगा डी डैश, एंड अगर हम साइज की बात करें, अगर ये हमारी लेंथ है एल और ये हमारी है लेंथ है एल डैश, तो हमारी जो लेंथ होगी, ये साइज कह लो कुछ भी कह लो, लेंथ और जो साइज है बेसिकली ऑब्जेक्ट का वो भी सेम रहेगा। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ यू कैन, सो दिस इज द, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज प्लेन मिरर। I hope you get it. So this is our answer. Thanks for watching.